जब भी मैं ऐसी बारिश देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, ओले। हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आपका आज का दिन अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि हर दिन अच्छा ही जाता है। आज हो रहा है बारिश, एक्चुअली हो रही है हेल स्टॉर्म, यानी कि बर्फ के गोले गिर रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, ये रहे बर्फ के ओले। ये देखिए, बहुत जोर से हो रहा था पहले, अभी थोड़ा धीमा हो गया, अभी फिर ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी जो ड्राइव कर रहे होंगे उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत बहुत फोर्स से गिरता है ये। मम्मा ने जो कपड़े भेजे थे अजान के लिए, मैं आज उसे ट्राई कर रही थी कि उसे फिट हो रहा है कि नहीं, बट शायद उसको एक साइज़ बड़ा हो रहा है सारा, तो वो ऐसे सब अपना पैंट उठा के और सब कुछ उठा के चल रहा था। बहुत ही फनी लग रहा था, बट हाँ, शायद मुझे उसे थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो ठीक से पहन सके। आप देख सकते कैसे पैंट उठा रहा है वो। हो गया दिन ख़त्म, हो गया रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी अच्छा गया। थोड़ी परेशानी हो रही थी, पता नहीं क्यों, पूरा पेट दर्द हो रहा था। आई थिंक मैं आज खाना भी बना रही थी, तो वो स्मेल जो होती है ना कभी कभी, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करती है, बट थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बस यही कहा, अल्लाह तू शफ़ा दे दे, और वो पता नहीं कैसे काम कर गया, अल्लाह का शुक्र है। शायद अल्लाह आज रोज़दारों की अपनी मदद भी करते हैं जो तकलीफ़ में रहते हैं, तो ये अल्लाह का रहम होता है अपने रोज़दारों पे। तो आज है 9th रोज़ा, और 9th रोज़े में, जैसे मैंने कहा, हम 9th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, यानी 9th पारा के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक एक पारा जो होता है ना, उसमें 2-3 चैप्टर्स होते हैं एक्चुअली, तो मैं सारे आपको नहीं बता पाती हूँ, तो मैं उसको क्या करती हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा, जैसे हमें ह्यूमैनिटी के लिए या इंसानियत के राह में चलने के लिए हेल्प करेगा। वैसे कोई नए पॉइंट्स तो होते नहीं हैं जिससे आप वाकिफ ना हो या आपको पता ना हो, ये सब हमें पता होता है, बट मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं पढ़ती भी हूँ तो मुझे लगता है कि ये, जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तो हमें पता है और ये हम फॉलो भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बट जब डेली लाइफ में हम जाते हैं, हमें इतने सारे लोगों की बातें, बातें हम सुनते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, अलग अलग ख्यालात से मिलते हैं, अपने आप को उस राह में चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक, हम जिस तरीके से पले बड़े हैं, जिस ह्यूमन टेंडेंसी से हम पले बड़े हैं बचपन से, वो एक माहौल जो होता है उसको फिर टर्न करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम घूम फिर के उसी चीज़ में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक हम किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हो जाता है, फिर डिस्कशन शुरू होती है, फिर बातें निकलती रहती है, और फिर बातें हो जाती है। तो मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि लगता है आसान है, ये सब पॉइंट्स पता है, हमें पता है अच्छे पॉइंट्स क्या है, हमें पता है इंसानियत के राह में चलने के लिए हमें क्या करना है, फिर भी हम चूक जाते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक ह्यूमन नेचर, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमें शैतान बहकाता है, और हम एज़ यूजुअल नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, हम शायद उस तरफ निकल जाते हैं। अपने आप को वापस उस लाइन में लाना, नहीं ये मना है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये अगर आप में आ गया और आप ये मान के सही राह में चलने लगे, तो बस और कुछ नहीं, आप सही में अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के राह में निकल चुके हैं। और ये सिर्फ इस रिलीजन में नहीं है, आई थिंक हर रिलीजन में है, कि आपको पता है आपके रिलीजन में क्या करना है, फिर भी हम बहक जाते हैं, फिर भी हम उस मौके में, उस लाइन, उस वक्त के लिए हम बहक जाते हैं, और उसमें स्टिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम पॉइंट्स अगेन, ऐसे नहीं है कि मैं पहली हूँ जो आपको ये बता रही हूँ, शायद मेरे जैसे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बहुत लोगों को ये ज्ञान पसंद भी नहीं होगा, बोलते होंगे ज्ञान रहने दो, हमें ज्ञान नहीं सुननी है, ज्ञान बहुत सुनते रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना सुनेंगे, मुझे लगता है कि हम बोलते हैं ना, बार बार अगर एक ही चीज़ को सुनते रहे, हम अपने आप अपने लाइफ में अनकॉन्शियस वे में भी उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मकसद वही होगा कि मुझे किसी को बदलना नहीं है, मुझे जैसे मैंने कहा, हर एक इंसान की
जो लड़ाई होती है वो खुद से होती है। आपकी हर चीज़ की जो एक कंपटीशन होती है वो खुद से होनी चाहिए। तो मैं जब ये आपके साथ बात करती हूँ तो मैं ये खुद अपने लिए करती हूँ ताकि मैं भी उस राह में चल सकूँ जिस राह की मैं बात कर रही हूँ। और पता भी है हमें ये सब के बारे में, बट फिर भी इसे हर वक्त फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं पारा नंबर 9 के बारे में। तो पारा 9 में 3 चैप्टर्स हैं और 286 आयतें हैं। जैसे मैंने कहा, हर आयत को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी डिटेल में, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको और मुझे सिंपल टर्म में हेल्प करे। ज़रूरी नहीं आप मुसलमान हैं या इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी रिलीजन में हैं, आई थिंक आपका भी रिलीजन यही चीज़ बता रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं हम पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है पेशेंस, यानी कि सब्र करना, और परसिवियरेंस, यानी कि अपनी कोशिश ना छोड़ना। तो अगर ये दो पॉइंट हैं तो आप अभी जिस मकसद से भी आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें पेशेंस और अपना परसिवियरेंस रखते हैं, कोशिश जारी रखते हैं, तो आपको जीत हमेशा हासिल होगी और आपके सोच से ज़्यादा हासिल होगी, क्योंकि आपने वो सब्र किया है, अल्लाह पे भरोसा किया है। ऑब्वियसली आपकी मकसद जो है वो नेक होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा या छोटा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर, कि जब डेली मर्रा में, जैसे अभी हम रोज़ा रख रहे हैं, खाते पीते नहीं है, दिन भर नींद नहीं हो रही है क्योंकि इबादत में लगे रहते हैं, तो आदमी को थोड़ा धीरे 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 एक चिड़चिड़ापन आता है। बट वहीं पे बच्चे क्या करते हैं ना, हर ऐसा चीज़ करते हैं जिससे आपको गुस्सा आएगा। तो वहाँ अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे वही करते जो आप करते हैं। जैसे मैं कभी कभी अजान को ऐसे डांट दिया या फिर बोल दिया कि ये नहीं करना, तो वो वापस मेरे ऊपर आता है, वही एक्शन करता है जो मैं करती हूँ। तो बच्चे कितना कुछ सिखाते हैं कि आप जो कर रहे हो, इट विल कम बैक टू यू इन द सेम वे। तो अगर आप और जहाँ मैं पेशेंस रख लेती हूँ, मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ, उसको समझा देती हूँ कि बेटा मत करो, और थोड़ा देर उसको देती हूँ, समझाती हूँ, प्यार से रखती हूँ, देन ही स्टार्ट फॉलोइंग ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। सो ये एक छोटा एग्जाम्पल है बट बहुत इफ़ेक्टिव है ये समझने के लिए कि सामने वाला शायद बहुत एग्रेसिव हो, सामने वाला बहुत शायद आप पे जुल्म कर रहा हो, या फिर आप जिस मकसद के लिए लड़ रहे हो उसमें बहुत सारी मुश्किलात आ रहे हो। बट जब आप पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे अपने आप को समझाते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं माइंडसेट में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं ये हो रहा है, ठीक है, इसका हल निकलेगा, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, और हम लड़ते लड़ते अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह उन्हीं लोगों की मदद करता है जो पेशेंस रखते हैं और अपना मकसद को छोड़ते नहीं हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मैसेंजर्स आए हैं, हर रिलीजन में आए हैं, आप जीसस ले लीजिए, आप राम ले लीजिए, हमारे रिलीजन इस्लाम में जैसे बहुत सारे मैसेंजर्स हुजूर आए हैं, वो लोग भी हमसे ज़्यादा वो लीड कर रहे थे एक मकसद को, जो जैसे इस्लाम लाना या फिर हिंदुइज्म लाना या फिर क्रिश्चियनिटी लाना या फिर सिख में। तो वो लोग जिस मकसद से लड़ रहे थे, वो जिस पोजीशन में थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आते आ रही थी, बट जो उनको हेल्प किया वो है पेशेंस, अपना अपने मकसद से हटना नहीं, कि नहीं शैतान हमें जितना भी बहका ले, बस हम तो वही करेंगे जो हम मकसद से आए हैं, वो है अल्लाह को राह दिखाएंगे लोगों को। तीसरा है कि अपने काम नेक रखते थे, तो इसी वजह से उनको कामयाबी मिली है और अल्लाह ने उनको हमेशा बचाया है और अल्लाह ने उनके मकसद को हमेशा कामयाब किया है। तो पेशेंस एंड परसिवियरेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बात किया हुआ है वो है कर्म, और ये मुझे लगता है कि हर चैप्टर में है, क्योंकि हर स्टोरी का मेन जो हमेशा समरी होता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखें। और अगर आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, या फिर बाइबल में आप स्टोरीज ले लीजिए, या गुरु ग्रंथ में स्टोरीज ले लीजिए, हर रिलीजन में एक ही चीज़ बोला जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखो, तभी आपके साथ अच्छा होगा। इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल, लाइक वट एवर यू थ्रो यू गेट दैट बैक। सो मतलब वो इक्वल, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की बात होती है। तो अगर आपका एक्शन जो है वो अच्छा है तो आपको रिएक्शन भी अच्छा मिलेगा।
अगर आपके एक्शन ख़राब हैं तो बुरा ही मिलेगा, आपको लग रहा होगा कोई कोई तो बहुत ही बुरा करते हैं, बट उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, बट होता है हमें पता नहीं होता, या कब होने वाला है हमें पता नहीं होता, बट होगा ज़रूर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखे हैं, बट इसे बोलना भी सही नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह का सही में वो मर्ज़ी वो था। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम ही जज बन गए हैं, और हमें किसी की गलतियां नहीं गिनानी चाहिए। गलतियां अगर किसी को ऑलरेडी एहसास हो चुका है कि वो गलत है, तो आप उसे ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाना या ज़बरदस्ती उसे अपने गलती का एहसास दिलाना सही नहीं होता है। अगर उसे अपने गलती का एहसास हो गया है ना, तो अल्लाह वो तभी उसे माफ़ कर देता है क्योंकि उसे अपने गलती का एहसास हो गया, वो दिल से उसको अच्छा नहीं लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो वो भी एक कर्म का पार्ट होता है। तो इसे मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इट अल्टीमेटली एड्स अप टू योर कर्मास, नॉट द पिज़्ज़ा कर्मा आई हैड येस्टरडे, बट इट ऑल एड्स टू योर कर्मास। तो हर मोमेंट पे आप अपने कर्म को कैसे अच्छा रख सकते हैं इज़ अगेन थिंक, सबर करिए, फिर कुछ बोलिए या फिर कुछ एक्शन लीजिए। आई थिंक दैट इज़ वेयर यू कैन कंट्रोल योर कर्मास। तो आई नो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और बाकी के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस रखिए, अपने गलतियों की माफ़ी मांगते रहिए खुदा से। अगर आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है मत दीजिए, बट अल्लाह से अपने माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेगा। बट हाँ, वो दिल में वो माफ़ी का जज्बा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हाँ गलत कर दिया माफ़ कर दिया, माफ़ कर दीजिए खुदा। अल्लाह जानता है आप दिल से मांग रहे हैं कि नहीं, अल्लाह को तो आप झुठला नहीं सकते। तो आप जब भी माफ़ी मांगे दिल से मांगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। बट हमेशा अल्लाह से यही मांगे कि आपको सही राह दिखला दे, अल्लाह आपको दिखला देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मेरे लिए बहुत ही बिजी दिन है, क्यों है वो आपको कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड चाओ।